जहां जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दशरथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दशरथ, कल ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं दिख रही है, इसलिए आज भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। देखिए, निश्चित तौर पे कल लंबी पूछताछ हुई थी, दो अलग अलग फेजेस थे जी। लंच के पहले पूछताछ हुई और उसके बाद में ईडी ने पूछताछ की, लंबी पूछताछ हुई थी। उसमें कुछ सवाल थे जिन पर और कह सकते हैं चर्चा या कह सकते हैं जवाब ईडी को चाहिए था। उसी के मद्देनजर राहुल गांधी को आज फिर ईडी दफ्तर बुलाया गया है। राहुल गांधी तकरीबन 11:15 बजे के करीब ईडी दफ्तर जाएंगे और वहां पर ईडी के जो सवाल होंगे उनका सामना करेंगे जी। दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर लगातार हमलावर है। कल भी देशभर के अंदर प्रदर्शन हुए और कांग्रेस के कई नेताओं ने जमकर विरोध किया ईडी की कार्रवाई का, और खास तौर पे कांग्रेस ने यह कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी की आवाज दबाना चाहती है, गांधी परिवार को टारगेट कर रही है, वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज भी जब ईडी से पूछताछ होगी उसके बाद अगर ईडी उनको लंबे समय तक बैठाती है या फिर कोई गिरफ्तारी की संभावना बनती है तो बड़े स्तर पर भानु आंदोलन कांग्रेस की तरफ से शुरू किए जाएंगे। रणनीति बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से जी। और खुद मुख्यमंत्री परसों रात को दिल्ली पहुंच गए थे, कल वो दिल्ली में थे, उनको हिरासत में भी लिया गया, दो बार उनकी तरफ से बयान भी जारी किए गए। और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, जो सीनियर कही जाती है, थिंक टैंक कहे जाते हैं कांग्रेस के, और तमाम नेता दिल्ली में मौजूद है और वो लगातार इस बात को लेकर मंत्रणा कर रहे हैं कि आगे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पार्टी की, कि राहुल गांधी को अगर ज्यादा बिठाया जाता है या संभवतः उनकी गिरफ्तारी हो भी जाती है तब किस स्तर पर काम करना चाहिए। ये तमाम चीजें कांग्रेस ने एक कार्य योजना बना ली है और आज जब पूछताछ शुरू होगी उसके बाद देखा जाएगा कि अगली स्टेज कांग्रेस का किस तरह का रहने वाला है जी। दशरथ, अगर प्रदेश को लेकर बात करें, राजस्थान को लेकर बात करें, तो आज क्या कुछ रणनीति रहेगी प्रदेश कांग्रेस की? देखिए, प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो कल पैदल मार्च किया गया, एक लंबा धरना भी दिया गया। हालांकि राहुल गांधी की पहले दौर की जब पूछताछ खत्म हो गई थी उसके बाद ये धरना समाप्त किया गया। रात में पीसीसी मुख्यालय के अंदर पीसीसी चीफ डोटासरा और कई मंत्री जुटे थे और रणनीति तैयार की। कुछ जो दिल्ली से सटे या एनसीआर से सटे जो जिले हैं जिसमें अलवर हो, दौसा हो, भरतपुर हो, इन जिलों के कुछ कार्यकर्ता नेता दिल्ली पहुंचे हैं रात को। उनको दिया निर्देश दिए गए थे कि अगर वो अपने पर्सनल व्हीकल से वहां पहुंच सकते हैं किसी तरह वो पहुंचे और ये राहुल गांधी के हाथ मजबूत करें, एआईसीसी दफ्तर तक हो जाए। और साथ ही आज दिल्ली के निर्देश का इंतजार है पीसीसी को, दिल्ली की तरफ से अगर कोई निर्देश आता है कि आपको प्रदर्शन करना है या फिर दिल्ली की उसकी तैयारी करनी है जी। तो फिर कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और पीसीसी चीफ खुद लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। अगर किसी भी सूरत में जो भी निर्देश होगा, पीसीसी चीफ ने कल भी कहा कि एक घंटे के भीतर भीतर हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, पीसीसी कार्यालय पहुंच जाएंगे लोग और फिर आगे किस तरह आगे बढ़ना है उसकी रणनीति तैयार की जाएगी। तो कुल मिलाकर भानो कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में आज जिस प्रकार की राहुल गांधी से पूछताछ शुरू होगी उसके बाद नई रणनीति के तहत कांग्रेस सड़क पर उतर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दशरथ आपका तमाम जानकारी के लिए।